धुखेड़ा नगर में पिछले 9 दिन से चल रही मां आदिशक्ति की आराधना का समापन हुआ। मंगलवार को नगर में अनेक स्थानों से मां आदिशक्ति के जयकारों लगते हुए मां की शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद मां आदिशक्ति को सुबह से ही गुरैया नदी प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हुआ। 9 दिन से चल रही मां की आराधना के बाद सोमवार को समितियों के दुर्गा पंडाल में हवन पूजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की जनता के सुख और समृद्धि के लिए यज्ञ कुंड में आहुति छोड़ी गई। साथ ही समितियों ने मंगलवार को प्रतिमा विसर्जन के लिए नगर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें धूमधाम से देवी प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाया गया। नगर के अनेक स्थानों पर भंडारे एवं कया भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचकर लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही मां आदिशक्ति को विदाई दी। इस दौरान सभी समितियों द्वारा नगर के मुख्य मार्गों से आदिशक्ति की शोभा यात्रा निकाली। वहीं विसर्जन के दौरान समितियों द्वारा नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की गई, क्योंकि गुरैया नदी में विसर्जन के दौरान नगर परिषद द्वारा कोई भी घाट पर व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई थी। इसको लेकर समितियों द्वारा नगर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की बाद में तेंदुखेड़ा एसटीओपी अशोक चौरसिया एवं थाना प्रभारी इंदिरा ठाकुर के समझाने के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस दौरान तेंदुखेड़ा तहसीलदार विकास जैन, एसटीओपी अशोक चौरसिया, नगर परिषद सीएमओ नीतू सिंह, थाना प्रभारी इंदिरा ठाकुर एवं सभी समितियों के लोगों मौजूद थे। दमोह तेंदुखेड़ा से विशाल रजक की रिपोर्ट। पहले तो जाबी नहीं हो।